मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मंजू देवी बुटुल आपका स्वागत करते अपने यूट्यूब चैनल में एक शानदार ब्लॉक में। ब्लॉक के शुरुआत कर खूबसूरत शहर मुंबई से टाइम हो रहा है सुबह का 11:30। तो मैं आई हूँ ये डेली नीड के इधर इधर थोड़ा सा बैठी हूँ, मैं जा रही हूँ टेलर के पास। तो मैंने बोला थोड़ा वीडियो की शुरुआत करती हूँ, घर से टाइम भी नहीं लगा था, कल गई थी मुंबई, बहुत थकान लगी है। तो मैंने बोला थोड़ा यहाँ पर बैठ जाती हूँ, थोड़ा आराम करना था। तब तक टेलर का फ़ोन आ गया, कल भी आया था आज भी आ गया, तो मैंने चलो जाने दो, पहले उससे कपड़े लेके आ जाती हूँ, बाहर से दूध वूध लेके आ जाती हूँ, उसके बाद और काम होगा। मौसम का हाल बोले तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुंबई में हालत ख़राब हो गई, बहुत गर्मी हो रही है। अभी यहाँ बाहर आई तो बाहर तो थोड़ा सा हवा चढ़ी, थोड़ा बहुत हवा चढ़ रही है। इधर अभी छाँव में बैठी, इधर पेड़ है ना तो इधर छाँव है, आँखें कैसे हुई, नींद आ रही थी मैं बहुत ज़्यादा। दोपहर को आराम भी नहीं किया ना, क्योंकि मुझे जाना था 3:30 बजे ऐसे कुछ जाना था शाम को, तो मैंने दोपहर को आराम नहीं किया, इतनी हालत ख़राब हो गई। आके भी खाना होना बनाया, 8 बजे तो हम आए थे, तो चलो मैंने बोला बाहर का काम निपटा देती हूँ, आपसे भी रूबरू हो जाती हूँ। धूप लगी है चमचमाती, इधर तो जून से आएगी बारिश, तब तक पता नहीं बचेंगे मरेंगे, कोई पता नहीं शरीर का। घुमोरियाँ, इतनी घुमोरियाँ हो गई, क्या बोले, इतनी हालत ख़राब हो रही, चूल्हे पर रहना इतना मुश्किल हो गया, क्या क्या खाना तो बनाना है। अभी देखो अभी इधर कितनी अच्छी हवा चल रही है, उमरी डाले से कड़ी करी कड़ी अपन छोकुए नहीं हवा, बढ़िया बढ़िया हवा चल रही। आइए आप बगीचा बनाए ना तो ये बोर लगाए बोली कोई तार वोर प्योण वाला जो ना, तो ये पैथर बढ़िया बगीचा से आइए जो ना, ये का पैथर आते जो बिल्डिंग देखने, ये बोरा पैथर आता है, यह तालाब से बड़ू सी ये अपने ना हरे भरे। आज भी तो बरसात नहीं आई पा, हरियाल बढ़िया जमी लगे, चलो आप काम धंधा पर सुबह पाई अपन लोग वो को ना। अब आते खैर कोई छो नहीं, अपन काम बोल जरूरत जरूरी काम हो बस यहाँ। अब मैं भी अपनी स्कूटी लेते आए तो आ गई थी मैं टेलर के पास से, तो मैंने खाना वाना बनाया घर में। अभी ये शाम का टाइम है, यानी कि रात का टाइम है, शाम को नहीं बनाया मैंने वीडियो। तो अभी 8 बजे मैसेज आया कि पानी आएगा आधा घंटे से अचानक, ये मुंबई है ना पानी कभी भी बंद हो सकता है, तो मैसेज आया कि 8 से 8:30 यानी कि आधा घंटा पानी आएगा। तो मैंने खाली भाजी रखी चूल्हे में, मैंने बोला आटा वटा बाद में गूंदेगी, खाना बाद में बनाती हूँ, पहले मैं पानी भर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर इतना गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है क्या बोलूँ। तो फटाफट पहले पानी भरती हूँ, क्योंकि बोतलें पूरी खाली है, दिन भर मतलब एक बार पीने से पूरी एक बोतल ख़त्म हो रही है। तभी मैंने ड्रम का नल भी चालू किया है और इधर मैं बोतलें भर रही हूँ। तो मैंने बोला इधर मैंने पहले बोतलें भरी, ड्रम बहुत दिन से धोया नहीं था, क्योंकि 2400 घंटे पानी आता है हमारे इधर, तो अचानक कभी भी पानी चला जाता है। अभी 1 महीने से तो ठीक था, लेकिन इधर ड्रम में इतना गंद पड़ा है, क्योंकि खिड़की की साइड मैंने ये ड्रम रखा है, इस बाजू में ये खिड़की है, तो बाहर से धूल वूल आती है, तो पूरा कचरा भरा है ड्रम में। वो ड्रम मैंने इमरजेंसी के लिए भरती हूँ, कभी अचानक पानी चला जाए इसलिए भरती हूँ। तो मैंने बोला ये पानी तो भर दिया मैंने इधर का पीने का पानी, तो ड्रम को पहले मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मेरे को इतना टाइम नहीं होता, क्यों आज अचानक पानी चला गया तो सुबह 1 घंटा आधा घंटा देगा वो पानी, इसलिए मैंने बोला फटाफट मैं ड्रम को भी धो लेती हूँ, खाली कर लेती हूँ पहले। अरे इधर सिंक में डाल दी तो सिंक एकदम से भर रहा है ऊपर तक, तो फटाफट खाली करने को नहीं हो रहा, तो पहले ड्रम को मैं खाली करती हूँ, उसके बाद ड्रम को भरना है, नीचे पूरा पानी पानी हो गया है। और यहाँ पर मैं ये ड्रम धोने बैठ गई, धोधा के साबुन डाला मैंने इसमें, यानी कि सर्फ एक्सल डाला, तब उसमें तार वाली गुच्छी से धोया। इधर ही सिंक में पट्टी कर रही हूँ, नीचे नीचे गिराना था, नीचे सोसाइटी में जाता ना पानी, इसलिए मैं इसको धो के सिंक में ही पट्टी कर रही हूँ। तो ड्रम को अच्छे से धो लेती हूँ, तो अभी रात को भर लेगी ड्रम को, तो सुबह थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो मैंने नल पे पाइप लगाया, पाइप से धो रही हूँ, फिर इसको इसमें पल्टी कर दूँगी। बहुत हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जगह भी उतनी है नहीं, जितना ड्रम की चौड़ाई उतनी जगह भी है नीचे। चलो जो भी है, अभी रात को भालेगी तो सुबह थोड़ा हल्का हो जाएगा। 2-3 पानी से धो दिया मैंने, अब इसको यहाँ पे बाजू में रखती हूँ। हाथ दर्द पहले ही हालत ख़राब हो रही मेरी, ये मैसेज आ रहा है ना दूर से दिख नहीं रहे, तो पास में जाके देखना पड़ रहा है। इधर मैंने ना अभी साबुन से अच्छे से घिसा दीवारें, उसके बाद इधर दीवारों को भी धोती हूँ मैं, क्या करूँ। इधर ड्रम धोया ना मैंने, नीचे पूरा पानी पानी हो गया, तो कुछ को मतलब मैंने मैप मोप ले किया,
इधर दीवार में मैंने पाइप से धोई पूरी, पहले साबुन की लील लगाई उधर से पूरा धो दिया मैंने। अब मैं इधर पोछा मार रही हूँ क्योंकि बच्चे तो करते नहीं इसलिए उतना टाइम भी नहीं है, तो पहले मैं इधर पानी को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद होगा और काम। अब गर्मी से देखो हालत ख़राब, पसीना पसीना होगी। तो यहाँ पर मैंने ड्रम लगा दिया, अभी तक मैंने पाइप ही लगाया था इधर, इधर ड्रम के लिए अलग सा नल लगाया हमने, यहाँ पर था ये वाशिंग मशीन के लिए, लेकिन वाशिंग मशीन हम लाए नहीं, तो यहाँ पर मैंने ये ड्रम रख दिया। ये पहले का ड्रम था जब हम कुलीवाड़ा में थे। इधर ये एक्वा भी भर गया, इधर ये टंकी मटका बोतलें सब भर दी, इधर नीचे मैंने पूरा साफ किया, अभी पोछा लगा। इधर मेरी भाजी भी बनने बैठ गई, मैंने फटाफट बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत भात भी है दाल भी है, तो जीरा राइस बनाती हूँ। इधर पहले भाजी रखती हूँ चूल्हे में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कांदा मैंने पहले डाल दिया था, तो ये मसाला डाल दिया, मसाला मसाला भून बान के उसके बाद मैं इसमें भाजी डालेगी। तो इधर मसाला पक गया अच्छे से ये, और यहाँ पर मैंने पानी भी रखा है इसमें डालने के लिए। भाजी भी क्या है, चने हैं, सुबह के चने थे, उसमें मसाला वसाला बनाए, अब बस उसी को कर रही हूँ मैं गर्म मसाला डाल के। फिर गर्म पानी किया, मेरा हो गया सरदा, सुबह चने खाए, और अभी दोपहर को चौंसू बनाया था। तो मेरी इतनी हालत ख़राब होगी सिरदर्द से, वो गर्म पानी में मैंने नींबू डाला, नींबू निचोड़ के मैंने उसको पी लेती हूँ। इधर मैंने आटा भी निकाल दिया, मेरे को तो रोटी चाहिए लेकिन बच्चों के लिए तो बनाना ही है, तो फटाफट पहले आटा गूंथी। मैं तो पसीने से पूरे ऐसे भीग गई, ऐसा लग रहा कि बारिश में भीग के आई। गुड़िया को बोला था मैंने कि तू आटा गूंथ के दे दे मेरे को, तो ये आटा हाथ में चिपकता है ना तो उसको बहुत गंदा लगता है, मतलब गीड़ जैसी आती है। तो बोलती मम्मी सब काम के लिए बोल मेरे को, लेकिन आटा गूंदने के लिए मत बोल। तो चलो मैंने जाने दे, जब तक तो मैं तेरे को मनाती तब तक तो मैं ही गूंद लेती हूँ। तो फटाफट चलो आटा गूंदते, चलो आटा गूंद के हो गया मेरा, मैं फटाफट रोटियाँ बनाती हूँ। और बस जगदीश तो गया है जिम, परवेश गया है बाहर दोस्त के साथ, मैं गुड़िया भी नीचे अपने सहेली के साथ में बैठी है बाहर। अंदर भी ना इतना गर्म हो रहा, पंखे की हवा इतनी गर्म हो रही ना, ऐसे लग रहा आके गोला डाल रहा है पंखा भी। तो मैंने चला रोटी बना लेती हूँ मैं टाइम से, उसके बाद क्या है आराम से बैठने के लिए होता है, खाना बन गया बस अपना भी आफत कम हो गई। शाम का 9:30 हो गया, और रोटी वोटी खा के मैं और मेरे परवेश बाहर डेली नीड आए हैं, क्योंकि मैंने बोला थोड़ा वॉक करने जाते, खाने के बाद खाना खाने के बाद बाहर वॉक करके जो है पाचन भी हो जाते हैं, बाहर थोड़ा हवा चल रही करके। अंदर ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी घमोरिया हो गई, तो मैंने चला हम डेली नीड जाते हैं। इधर थोड़ा खुला खुला है, हवा भी आ जाती है, रात को टहलने के लिए भी अच्छा होता। खाने के बाद बोलते हैं ना टहलना ज़रूरी है, यानी कि वॉक करना ज़रूरी है, पाचन भी हो जाता है। तो चलो आप भी चलो बाहर का व्यू दिखाते हैं, रात है लेकिन मालूम पड़ रहा रात है कि दिन है, उजाला रात का टाइम है, देखो मालूम भी पड़ रहा रात है कि या दिन है, उजाला चकाचौंध। पता नहीं चलते चलते ना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल जाता है, तो पता नहीं कैसे बनाते हैं। वाह पर कितनी मस्त आवाज़ है, इधर ही रुक जा। ये पाम के पेड़ है, आप बास में डाले हैं पाम के डाले हैं, ये डेली नीट ज़्यादातर लोग इधर वॉक करने के लिए आते हैं। अरे आगे से गाड़ी आ रही है, पूरी लाइट पर बैठी रहेगी 5 मिनट। हाँ मैं तो इधर ही बैठी रही, इधर बहुत अच्छा, ये पूरा वॉकिंग एरिया है बहुत आगे से आगे तक। कभी कभी क्या होता है कि बोलते बोलते जवान लड़खड़ा जाती है ना, तो बराबर बोलने को चलते चलते बना रही है ना, तो हाथ हिल रहा है बहुत ज़्यादा। रोक नहीं बोलो ना, सट करें वॉकिंग का नाम। दोस्तों आज के वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय महाराष्ट्र।